हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए यूनिक फूड लेकर के आए हैं। पहले तो हम आपको बता दें, आप देख पा रहे हैं ड्रीम योगा, यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, प्रॉपर देखा होगा करके, यहां पर एक ड्रीम योगा गाड़ी आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो यूनिक प्रॉब्लम है वो हेडलाइट को लेकर के है। हमने इसमें हेडलाइट बल्ब भी डाल करके देख लिया है दोस्तों, और इसमें एक रिले भी हमने चेंज करके देख ली है, लेकिन इसके अंदर हमें हेडलाइट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। अब इसमें ऐसा कौन सा फॉल्ट है, क्या दिक्कत इसके अंदर आई है, वो हम समझेंगे प्रॉपर डिटेल बाय डिटेल, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों, हम गाड़ी स्टार्ट करके आपको लाइव दिखा देते हैं। ये इसमें हमने चाबी ऑन कर ली है, बाकी आप देख पा रहे हो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं जब हमने इसकी गाड़ी ऑन करी हुई है और जब हम लाइट ऑन करते हैं तो इसका इंडिकेटर एक साइड का जल जाता है, लेफ्ट हैंड का लाइट जलाने पर इस तरीके से, ऐसे ही सेम पीछे भी जल जाता है। पीछे दिखाओ तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पीछे भी इसका इंडिकेटर जल चुका है। लाइट जब हम ऑन करते हैं, ऑफ़ करने का ये बंद हो जाता है, ऑन करते ही जल जाता है, लेकिन इसकी हेडलाइट वर्क नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं इसमें हेडलाइट का बल्ब, जो मेन बल्ब है, वो नहीं जल रहा है। इंडिकेटर एक साइड का जल जाता है और डिपर भी इसमें दोस्तों काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, आप देख पा रहे होंगे, दिखाओ। तो दोस्तों, यहाँ मीटर में भी लाइट प्रॉपर देखने को मिल रही है। हम आपका स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, प्रॉपर दिखाओ ऊपर, इधर स्विच को भी दिखाओ संग में। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो मीटर में लाइट प्रॉपर आ रही है, जा रही है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपकी हाई बीम की लाइट देखने को ऑलरेडी मिल रही है इस तरीके से कुछ, लेकिन इसकी मेन लाइट नहीं जल रही है और इंडिकेटर जल रहा है। तो दोस्तों, हमने इसके अंदर सब कुछ कर लिया, बहुत देर से इसमें मातापच्ची कर ली हमने, फिर भी इसके अंदर फॉल्ट हमको मालूम नहीं पड़ा। लेकिन बहुत देर बाद हमने इसके अंदर हमने यूनिक प्रॉब्लम निकाली है। हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम आपके सामने शायद नहीं हो सकती है, इसलिए हमने इसकी वीडियो को बनाया है और आपके लिए शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, छोटी सी प्रॉब्लम है, हम आपको बता देते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सब कुछ तार लगा हुआ है, अर्थिंग का भी तार प्रॉपर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये दो वायर दिए गए हैं, ये आपका हाई बीम का वायर है, ये लो बीम का वायर है, ये इसका अर्थ है। अर्थ इसमें दो तार दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें लाइट नहीं जल रही है प्रॉपर। इसमें हमने कनेक्शन किए हुए हैं, लेकिन इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो हम आपको सही करके दिखाते हैं। प्रॉपर इंडिकेटर भी लो इसमें, दूर से दिखाओ, यही। तो दोस्तों, इंडिकेटर जल रहा है प्रॉपर, आप देख पा रहे हैं, लाइट हमने ऑन कर रखी है। लाइट जैसे ही ऑफ करेंगे तो इसका जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाता है। लाइट ऑन करने पर इंडिकेटर लेफ्ट हैंड का जल जाता है, लेकिन लाइट नहीं जलती है। छोटी सी इसमें प्रॉब्लम है बस, हमने इसके जो ग्रीन वायर को, यानी कि ग्राउंड वायर को, जो कि अर्थिंग का तार है, उसको हमने हल्का सा इस तरीके से छील लिया है और इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा, ये दिखाओ। तो दोस्तों, ये हमने इसके अर्थिंग का तार कनेक्ट कर लिया है और हम इसकी अलग से इसको अंडरग्राउंड करंट देंगे बाहर से, यानी कि इसके अर्थिंग को कहीं से भी आप दे सकते हैं बॉडी में से, जहां आपका लोहे का हो, प्रॉपर दिखाओ यहां पर इस तरीके से। तो दोस्तों, जैसे ही हमने इसको इंडिकेटर को अर्थ दिया, सॉरी, हेडलाइट के बल्ब को जैसे अर्थ दिया, तो आप देख पा रहे हैं इसका जो इंडिकेटर है वो बंद हो चुका है और हेडलाइट बल्ब प्रॉपर तरीके से जल चुका है। हम इस तार को उठाएंगे तो ये है आपका हेडलाइट बल्ब बंद हो जाएगा, इंडिकेटर आपका ब्लिंक करने लगेगा डिम डिम इस तरीके से। तो दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, ये पहले हम आपको प्रॉपर दिखा देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं प्रॉपर हेडलाइट इसकी जल चुकी है और दोनों पॉइंट प्रॉपर काम कर रहे हैं इस तरीके से, और इसका डिपर भी प्रॉपर काम करेगा दोस्तों, दिखाओ नीचे भी दिखाओ, ये डिपर इसका प्रॉपर काम कर रहा है, रिले काम कर रही है, रिले पे पास लेकर आओ, आप देख पा रहे होंगे रिले भी प्रॉपर काम कर रही है। तो दोस्तों, इसमें कमी जो आई थी वो अर्थिंग की आई थी, कहीं इसकी वायरिंग पुरानी गाड़ी होने की वजह से वायरिंग कहीं से शॉर्ट हो गई है, इसका मेन जो अर्थिंग का तार है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गया है, उस वजह से ये दिक्कत आई थी। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो, तो दोस्तों, वो अर्थिंग की प्रॉपर प्रॉब्लम आई है। आप इसे कहीं भी अंडरग्राउंड कर सकते हो बाहर, या यहाँ पर कर सकते हो इस तरीके से, कहीं भी अर्थिंग दे दीजिए इस तरीके से, तो आपका ये जो हेडलाइट प्रॉब्लम्स आती है किसी भी गाड़ी में इस तरीके की, तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसी अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।